Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we had discussed about various abiotic agents of pollination. जिसमें हमने एनिमोफिली हाइड्रोफिली को डिस्कस किया था कि एक एनिमोफिलस फ्लावर में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या फिर अगर हाइड्रोफिली होनी है किसी प्लांट के अंदर किसी फ्लावर में तो उसमें पॉलन्स कैसे होनी चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए. तो लास्ट क्लास में हमने एबायोटिक एजेंट्स डिस्कस कर लिए थे. टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोटिक एजेंट्स. और बायोटिक में जब हमने वेरियस एजेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एनिमल्स को देखा था, इंसेक्ट्स को देखा था, बर्ड्स को देखा था एंड बर्ड्स को देखा था आंट बिर्बेकोफिली, तो वेरियस टाइप्स के हमने पॉलिनेशन डिस्कस कर लिया था. उसमें मैंने आपको बताया था जो मोस्ट कॉमन होता है इन द बायोटिक एजेंट्स दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स. किसकी हेल्प से होता है? इंसेक्ट्स की हेल्प से. और इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होना, दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नॉन एज एंटेमोफिली. उसको हम क्या कहते हैं? एंटेमोफिली. तो एंटेमोफिली इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलिनेटिंग एजेंट इज इंसेक्ट. और इसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मोथ हो सकता है, कोई वास्प भी हो सकता है, टर्माइट भी हो सकते हैं, बीज भी हो सकते हैं, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं. उसमें से भी जो मोस्ट कॉमन है 80% है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ बीज. एंटेमोफिली में भी जो वेरियस इंसेक्ट्स है उसमें 80% किसकी हेल्प से होता है? बीज की हेल्प से. अब बीज की हेल्प से होगा तो आप मुझे बताइए फ्लावर कैसा होना चाहिए? बहुत डल होगा, कोई इसमें से खुशबू नहीं आ रही है, फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, तो क्या बीज उसके पास जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ? नो. तो इसके लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स? फ्लावर लार्ज होना चाहिए, अच्छा बड़ा सारा फ्लावर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होता क्यों, कलरफुल होना चाहिए, पेटल्स बड़े बड़े होने चाहिए, इंसेक्ट्स को अच्छे से दिखाई दे, विजिबल हो, दैट शुड बी सेंटेड, उसमें से कोई ना कोई फ्रेग्रेंस निकले, खुशबू निकले, तभी तो इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. और उसमें कोई नेक्टर ग्लैंड हो, नेक्टर ग्लैंड का भी बेसिकली काम क्या है? नेक्टर प्रोड्यूस करेंगी और उसी नेक्टर की वजह से बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी. तो ये सब कैरेक्टर्स फ्लावर के अंदर होने चाहिए. स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, अब यहाँ पे आएगा इंसेक्ट बैठेगा तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? अगर नॉन स्टिकी होंगे, डस्टी होंगे, तो वो तो चिपक ही नहीं पाएंगे उसकी बॉडी से. तो जैसे हमने एनिमोफिली में किया था एयर में, वहाँ स्टिकी होने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? द पॉलन ग्रेन्स शुड बी स्टिकी, ताकि वो जल्दी से इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाए. नेक्स्ट, जो देखिए अभी हम कुछ स्पेशल कंडीशन डिस्कस करेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगी. जो फ्लावर्स हैं वो कुछ रिवार्ड्स देते हैं इंसेक्ट्स को, कोई ना कोई उनको एडवांटेज होगा, फायदा होगा, तभी तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. तो यहाँ फ्लावर क्या प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को? फ्लोरल रिवार्ड्स. वो रिवार्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दैट मे बी पॉलन्स, पॉलन्स भी हो सकते हैं, वो नेक्टर भी दे सकते हैं, या कई फ्लावर्स तो स्टूडेंट्स इतने बड़े होते हैं कि इंसेक्ट्स या बीज आके या मोथ आके उसमें अपने एग ले करके, उनको एग लेने के लिए वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं. तो दोनों का काम हो जाता है, फ्लावर का भी काम हो जाता है पॉलिनेशन का, और वास्प का भी काम हो जाता है, उसको एग ले करने के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस मिल जाती है, जिससे उसमें बाद में लार्वा और उसका इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा. तो ये स्पेशल क्या है, ये फ्लावर उनको कुछ बदले में कुछ रिवार्ड्स दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो. तो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटेमोफिलस फ्लावर्स. चलिए अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिन पे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये यहाँ से तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स के अंदर कि एनिमोफिलस में क्या क्या करेक्टर्स होंगे, हाइड्रोफिलस में या एंटर, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वहाँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं. तो कुछ हम स्पेशल कंडीशन डिस्कस करते हैं. तो अभी हमने बताया कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर शुड बी सेंटेड, उसमें से कोई अच्छी सी खुशबू रिलीज हो. तो जैसे हम पहला मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेग्रेंस का, कि हम कह रहे हैं फ्लावर खुशबूदार होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए. इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं जैस्मिन, चमेली का जो फूल होता है, या जैस्मिन को और क्या बोला जाता है, रात में खिलता है ये, तो दिस इज आल्सो नोन एज नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइट ब्लूमिंग फ्लावर. अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए मुझे, जैस्मिन
जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है जो रात को खिलता है, अगर ये जैसे बहुत डार्क कलर का हुआ, डार्क रेड हुआ, डार्क ब्राउन हुआ, तो क्या इंसेक्ट्स को दिखाई देगा रात के अंधेरे में? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए फ्लावर कैसा होता है, चमेली का फूल आपने देखा होगा कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो ये उस फ्लावर के अंदर क्या हो गई, एडेप्टेशन हो गई, ताकि इंसेक्ट उसको अच्छे से देख पाए और उसमें पॉलिनेशन हो पाए। यहाँ उसके पेटल्स कैसे कलर के हो जाएंगे, या तो डल हो जाएंगे, कोई कलर नहीं होगा, या उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है रेफ्लेशिया, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर, जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है। इसमें स्मेल कैसी आती है, इसकी जो इसमें से जो पेक्यूलियर स्मेल प्रोड्यूस होती है वो किसकी जैसी होती है, सड़े हुए अंडे की जैसी। तो इट प्रोड्यूस स्मेल, और यू कैन से इट स्मेल्स लाइक रॉटन एग, इसमें से सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, ताकि कुछ इंसेक्ट वास्प इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसका पॉलिनेशन हो जाए। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है दैट इज स्यूडो पॉपुलेशन। ये जो स्यूडो पॉपुलेशन है, आगे भी हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे जब हम इकोलॉजी स्टडी करेंगे, या दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्री। ये किसका एग्जाम्पल है, मिमिक्री। दोनों ही टर्म अभी आपको समझ आएंगे। मिमिक्री होता है किसी चीज की नकल उतारना, ठीक है। तो एक प्लांट होता है स्टूडेंट ऑफ्रिस, विच इज एन ऑर्चिड। ऑफ्रिस क्या है, एक ऑर्चिड। ऑफ्रिस इज एन ऑर्चिड। तो ये जो ऑफ्रिस प्लांट है, इसका फ्लावर कैसा होता है, इसका फ्लावर होता है एक फीमेल वास्प के जैसा। ये अपनी शेप को इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है कि ये दिखने में ये फ्लावर कैसे दिखता है, इट अपीयर्स लाइक ए, दिस फ्लावर अपीयर्स लाइक ए फीमेल वास्प। दूर से ये कैसा दिखाई देगा, फीमेल वास्प। और वास्प स्पेशली कौन सा, कॉल्पा ऑरिस। ये दूर से दिखने में इस वास्प के फीमेल के जैसा दिखाई देता है ये फ्लावर। तो क्या होंगे, फीमेल के जैसा दिखाई दे रहा है, उसकी नकल उतार रहा है, तो इसीलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिमिक्री। अब क्या होगा, जो मेल वास्प होंगे वो इस फ्लावर को क्या समझेंगे, फीमेल वास्प। पॉपुलेशन के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉलन्स उनके बॉडी से चिपक जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में पॉपुलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, स्यूडो पॉपुलेशन। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो पॉपुलेशन। इसमें ऑफ्रिस रिजेंबल्स विद द फीमेल वास्प। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन सेवरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसे ही एक और मैकेनिज्म है, स्पेशल मैकेनिज्म, विच इज लीवर मैकेनिज्म, और यू कैन से टर्न पाइप मैकेनिज्म। दिस लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म क्या होता है, पहले तो इसका एग्जाम्पल समझिए, किसके अंदर मिलता है, साल्विनिया के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लीवर मैकेनिज्म टर्न पाइप मैकेनिज्म किसमें मिलता है, साल्विनिया के अंदर। क्या होता है, इसमें समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, जो साल्विनिया, इधर ड्रॉ कर दूँ, इसका जो पेटल है वो कैसा होता है, बाइलॉट, उसमें दो लोग होते हैं। ये इसका क्या प्रेजेंट है, सपोज कीजिए ये इसमें गाइनोशियम प्रेजेंट है। इसके जो एंथर्स होते हैं, सबने झूला, सी सॉ वाला झूला झूला होगा, जिसमें ऐसे एक तरफ कोई बैठ जाता है तो एक तरफ से वो ऊंचा हो जाता है, दूसरी तरफ जो बच्चे झूलते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई बैठ जाए तो इधर से ऊंचा हो जाता है। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म। सेम मैकेनिज्म यहाँ के पॉलन और यूटेन से एंड्रोशियम फॉलो करता है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए जो कोरोला है वो भी बाई लोग है, उससे इसमें इस तरह से दो लोग हैं, और इसमें जो इसका एंड्रोशियम होता है वो भी क्या होते हैं, इस तरह से लीवर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है इन दिस वे। उसमें जो नीचे वाले एंथर्स होंगे, दो ग्रुप में एंथर्स होते हैं, जो नीचे वाले एंथर्स होते हैं ये होते हैं स्टराइल, दीज आर स्टराइल एंथर, इसमें पॉलन्स नहीं बनी हुई। ये वाला जो थोड़ा बड़ा सारा जिसकी स्टॉक होती है, ये एंथर कैसे होते हैं, फर्टाइल एंथर, ये फर्टाइल एंथर। अब क्या आएगा, जैसे इंसेक्ट आया उड़ के, जैसे ये मैंने इंसेक्ट बनाया, ये आया उड़ के इस नीचे वाले
एंथर के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो इस एंथर के ऊपर बैठेगा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला लोब है ये और झुक जाएगा और उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है, टच हो जाता है यू कैन से। जैसे ही ये एंथर उस इंसेक्ट की बॉडी से टच होंगे पॉलन्स इसकी बॉडी पे डस्ट हो जाएंगे, ये जैसे ही दूसरे में उड़ के जाएगा वहाँ पे पॉलिनेशन करेगा। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे एक पे बैठ रहा है दूसरा क्योंकि उसकी स्टॉक ज़्यादा लंबी है उससे टच हो जाएगा, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑब्जर्व इन साल्विनिया। किसमें देखने को मिलता है ये, साल्विनिया में देखने को मिलता है। चलिए स्टूडेंट्स ऐसे ही एक एग्जाम्पल स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं हम। डायरेक्ट जो हम कुछ एग्जाम्पल्स जो स्पेसिफिक हैं जिनमें कुछ अलग सा मैकेनिज्म मिलता है वो हम स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, ये भी आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअलिज्म और यू कैन से सिम्बायोसिस। तो ये म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस क्या होता है, देखिए पहले तो एग्जांपल देखते हैं। इट इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन यूका प्लांट, आगे भी आएगा ये एग्जांपल हमारे इकोलॉजी में क्या होता है। पहले तो म्यूचुअलिज्म समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस क्या होता है कि दो कोई ऑर्गेनिज्म है और यू कैन से दो पार्टनर्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो उस एसोसिएशन को हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। देखिए स्टूडेंट्स जैसे ये यूका प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज गाइनेशियम, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, यहीं पे इसमें पास में क्या प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे। और यू कैन से चलो हम अभी एक बार गाइनेशियम को ही डिस्कस करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये उसका क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनेशियम प्रेजेंट है यूका प्लांट का। अब यहाँ पे मोथ आता है, स्पेशल मोथ है जिसको हम क्या बोल, जिसका नाम क्या है, पोर्न्यूबा मोथ। पोर्न्यूबा, जस्ट अ मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स इट नॉट पोर्न्यूबा इट्स प्रोन्यूबा, प्रोन्यूबा मोथ। ये जो मोथ आया है ये क्या करता है, ये इसकी ओवरी के अंदर ड्रिल करता है, ये जो गाइनेशियम है इस प्लांट की यूका प्लांट की इसकी ओवरी को ड्रिल करेगा, होल करेगा और इसके अंदर अपने एग ले करता है। अब इस मोथ को क्या मिल गया, इसको मोथ को एक जगह मिल गई, एक प्लेस मिल गई सेफली अपने एग ले करने के लिए। तो मोथ का एडवांटेज क्या हो गया कि इसको इसने इसको क्या मिल रहा है, प्लेस मिल रहा है टू ले देयर एग्स, यहाँ उसने अपने एग ले कर दिए। अब इस एग में से लार्वा निकलेंगे, वो लार्वा यहाँ से ही प्लांट पार्ट से ही फूड कंज्यूम करेंगे और डेवलप होंगे। अब जब ये मोथ यहाँ एग ले करके जाता है तो ये इस ओवरी को सील कर जाता है, और ये किससे सील करके जाता है, पॉलन से। किससे सील करके जाएगा, पॉलन से सील करके जाएगा। साथ ही साथ जब ये आता है जाता है तो कुछ पॉलन्स क्या होंगे, इसके स्टिग्मा के ऊपर भी लैंड हो जाते हैं। तो क्या होगा, देखो दोनों का एडवांटेज हो रहा है, मोथ को प्लेस मिल रहा है एग ले करने के लिए और प्लांट का क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एसोसिएट करते हैं और दोनों का फायदा होता है, उस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस की, यूका प्लांट किसके साथ, मोथ, प्रोन्यूबा मोथ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन दोनों के एसोसिएशन के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दैट इज फिग एंड ब्लास्टोफेगा बास, उसमें क्या होता है। फिग हमने इसकी जो इनफ्लोरेसेंस है वो 11th क्लास में भी स्टडी की है स्टूडेंट्स। फिग एंड ब्लास्टोफेगा बास्ट क्या होता है इसके अंदर, फिग अंजीर जो होता है इसमें हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, इसमें इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है, हाइपनथोडियम टाइप, हाइपनथोडियम टाइप की कई सारे जो फ्लावर्स हैं वो मिलके इस तरह की शेप में अरेंज होते हैं। तो फिग में हमने डिस्कस की थी 11th क्लास में, इट हैज इनफ्लोरेसेंस हाइपनथोडियम टाइप,
अब इस हाइपनथोडियम में क्या होता है, यहाँ इसके माउथ के पास यहाँ पे इसमें मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट है? मेल फ्लावर। तो दीज आर मेल फ्लावर। और कैसे हैं ये? दीज आर फर्टाइल मेल फ्लावर्स। ये जो इसका बेस है, इसके इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ मैं इसको, इसके बेस के ऊपर ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया है, इसके बेस पे ये प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर। तो दीज आर फीमेल फ्लावर। और ये फीमेल फ्लावर भी कैसे हैं? दीज आर आल्सो फर्टाइल स्टूडेंट्स। ये जो फीमेल फ्लावर हैं, इनके बीच में कुछ दूसरे फ्लावर भी होते हैं स्टूडेंट, उनको मैं इस तरह से बना रही हूँ, इनको हम बोलते हैं गाल फ्लावर्स। क्या कहते हैं? गाल फ्लावर। है क्या ये गाल फ्लावर? एक्चुअल में है तो फीमेल फ्लावर ही, बट दीज आर स्टराइल। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? स्टराइल होते हैं। क्यों स्टराइल होते हैं? जो नॉर्मल फीमेल फ्लावर है वो तो उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, तो सीधी ही स्टाइल होती है उनकी। लेकिन गाल फ्लावर में क्या होगा, इनकी जो स्टाइल है वो इस तरह से साइड में होती है, लेटरल स्टाइल होती है, तो इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? दीज आर स्टराइल फ्लावर। तो नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है इसमें? फीमेल। और उसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? गाल फ्लावर, विच आर द स्टराइल फीमेल फ्लावर। अब क्या होगा, ये वास्प आता है, ये जो फीमेल फ्लावर है गाल, इनके अंदर कुछ हेयर्स भी होते हैं थोड़े बहुत। अब क्या होगा, जैसे ही वास्प आएगा इसके अंदर, तो ये जो गाल फ्लावर है इनके अंदर हमने डिस्कस किया जैसे लेटरल स्टाइल होता है, तो यहाँ पे इनको जगह मिल जाती है अपने एग ले करने के लिए। यहाँ गाल फ्लावर के पास ये क्या करेंगे? एग ले करेंगे। और जैसे ही ये आते हैं तो ये जो गाल फ्लावर के हेयर्स हैं ये उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, वो इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, जो पॉलन्स उसकी बॉडी पे हैं वो भी डस्ट हो जाएंगे। यहाँ साथ में ही क्या प्रेजेंट है इसके साथ? फर्टाइल फीमेल फ्लावर, तो वहाँ पे पॉलन्स डस्ट हो जाएंगे, साथ में ये इसके ऊपर क्या करके जाता है, अपने एग्स भी लेकर देता है ऑन दी गाल फ्लावर। फिर देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों का एडवांटेज हो रहा है, फ्लावर का भी और वास्प का भी। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म और यू कैन से सिम्बायोसिस। चलिए तो ये हमने कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस कर ली, इसके साथ ही एक और चीज़ हम देखते हैं, कई बार बुक्स में लिखा होता है दैट इज सल्फर शावर्स। ये सल्फर शावर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, या सल्फर क्लाउड्स जिसको बोलते हैं, क्या होता है? हिली एरियाज के अंदर मोस्टली कौन से प्लांट्स मिलते हैं? पाइन के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो पाइन ट्रीज होते हैं इनके पोलन्स कैसे होते हैं? दे हैव विंड पोलन्स, येलो कलर के विंड पोलन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। अब इनमें क्या होता है, एक ही सीजन में हाई अमाउंट में पोलन्स रिलीज होंगे इनके फ्लावर्स। तो जैसे ही ये पोलन्स इनके फ्लावर्स से रिलीज होते हैं, हम कह रहे हैं इनमें पोलन्स कैसे हैं? विंड है, तो ये एकदम से रिलीज होते हैं, तो लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ये क्लाउड्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? सल्फर शावर्स या सल्फर क्लाउड्स बोल देते हैं। एक्चुअली हैं क्या ये? पाइन के पोलन्स ही हैं। कैसे हैं? दीज आर विंग्ड और येलो कलर के होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, या हमने आज किसको डिस्कस किया? एंटेमोफिली को। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स कंक्लूड करें तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस किया था स्टूडेंट, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनी थी। फिर हमने मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस किया, जिसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे बना था, ओव्यूल के अंदर एग बना, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट की हमने, और पॉलन ग्रेन फिर क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। फिर हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें ओव्यूल और जिसमें क्या प्रेजेंट था? एग। तो हमने दोनों अलग अलग मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी कर लिया, उसमें मेल गैमेट और उसमें फीमेल गैमेट। अभी हमने पॉलिनेशन देख लिया कि ये मेल गैमेट इस एग तक कैसे पहुंचेगा, वेरियस एजेंट्स देख लिए। अब देखिए फ्लावर जो है, जैसे सपोज कीजिए कोई वीट का फ्लावर है,
या सपोज कीजिए कोई और टमाटो का या कोई और वीट का फ्लावर एग्जाम्पल ले लेते हम, तो पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है, विंड से हो रहा है, हाइड्रोफिली हो रहा है एक्वाटिक केस में, तो क्या विंड को इंसेक्ट को पता है कि जो पॉलिन्स लेके जा रहे हैं वो विंड के हैं, तो वो सॉरी वीट के हैं, तो वो वीट के फ्लावर पे ही डस्ट करने हैं, उस पर कोई और स्पीशीज के कोई और वैरायटी के पॉलिन भी डस्ट हो जाएंगे होंगे। अब वो कैसे पता चलेगा इस गाइनोशियम को कि कौन सा उसके स्पीशीज का है, किसकी पॉलिन ट्यूब बननी है, किसमें फर्टिलाइजेशन होना है, किसमें जाइगोट बनना है, किसमें नहीं बनना है, तो ये सब कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है उस पॉलिन के बीच में और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होती है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसको लर्न कीजिए। थैंक यू।